the topic that we are going to discuss is about phones. Phones की सबसे पहले हम location discuss करेंगे कि ये present कहाँ पे होता है. Pons is situated in front of cerebellum, below the midbrain and above the medulla oblongata. तो ये देखें, ये pons के बिल्कुल ऊपर midbrain है और pons के नीचे medulla oblongata है और उसके front पे क्या है, cerebellum present है. So this is the location of the pons. Pontocerebellar trigone is a junction of the pons, medulla and cerebellum. अगर हमसे पूछा जाए कि pons word का meaning क्या है, तो इसका मतलब है ब्रिज. तो ये ब्रिज किसके दरमियान, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स दैट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरिबेलम. सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर्स के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है पॉन्स. और ब्रिज बनाता किससे है, नर्व फाइबर्स के थ्रू. ठीक है, नर्व फाइबर्स हमने कहाँ पे होते हैं, वाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो व्हाट आर दीज नर्व फाइबर्स, ये नर्व फाइबर्स कौन से हैं जो कि ब्रिज बनाते हैं सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर्स के दरमियान. तो वो है हमारे पास कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स. कौन से फाइबर्स हैं, कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स. और ये लीड करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेकर पॉन्स के रीजन तक. ओके, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा. तो ये डायग्राम ये देखें, कॉर्टेक्स से हमारे पास फाइबर्स आ रहे हैं और एंड हो रहे हैं पॉन्स के अंदर आके. ठीक है, और पॉन्स के अंदर मैं न्यूक्लियाई शो किए हैं जिन्हें पोन्टाइन न्यूक्लियाई कहा है. ठीक है, तो पोन्टाइन न्यूक्लियाई के अंदर आके एंड होते हैं कौन से फाइबर्स, कॉर्टिको पोन्टाइन फाइबर्स. और ये जो न्यूक्लियाई हैं ये पॉन्स के एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं. अगर मैं आपको इसके एंटीरियर पोस्टीरियर साइड दिखाऊँ, तो ये पॉन्स की एंटीरियर साइड है और ये वाली इसकी पोस्टीरियर साइड है. तो एंटीरियर साइड के अंदर इसके पोन्टाइन न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, जहाँ पे आके कॉर्टिको पोन्टाइन फाइबर्स एंड होंगे. ओके, इस एंटीरियर या फिर वेंट्रल रीजन को हम बेस ऑफ द पॉन्स भी कह देते हैं या फिर बेजिलर पॉन्स भी कह देते हैं. ओके, और इसके पोस्टीरियर या डॉर्सल रीजन को हम टेगमेंटम बोलते हैं. पॉन्स के एंटीरियर रीजन को हम बेस या बेजिलर पॉन्स बोलते हैं और इसके पोस्टीरियर रीजन को हम टेगमेंटम बोलते हैं. अब यहाँ से पॉन्स से ये फाइबर्स मूव करेंगे सेरिबेलम के अंदर. ठीक है, ये सेरिबेलम शो किया है, इसके अंदर मूव करेंगे. इसी वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, कॉर्टिको पोन्टाइन सेरिबेलर पाथवे. कॉर्टिको पोन्टाइन सेरिबेलर पाथवे. अब ये देखें, ये फाइबर्स आ रहे हैं कहाँ से, कॉर्टेक्स से, और यहाँ पे पॉन्स के रीजन में आके ये कॉन्ट्रालेटरली रन कर रहे हैं. मतलब कि राइट साइड वाले लेफ्ट साइड के सेरिबेलम के अंदर जा रहे हैं और लेफ्ट साइड वाले राइट सेरिबेलम के अंदर जा रहे हैं. ठीक है, तो दीज नर्व फाइबर्स रन कॉन्ट्रालेटरली, ओपोजिट साइड पे ये नर्व फाइबर्स रन करेंगे. ओके, और ये क्या बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे सेरिबेलम और पॉन्स के दरमियान. दीज पॉन्स एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द टू हेमिस्फीयर्स. ये भी एक सेरिबेलम का राइट सेरिबेलम है, ये लेफ्ट सेरिबेलम है, और इन दोनों के दरमियान ब्रिज कौन है, पॉन्स. ओके, सो पॉन्स एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द बोथ पार्ट ऑफ सेरिबेलम, लेफ्ट सेरिबेलम एंड राइट सेरिबेलम. ओके, कुल दरमियान में हमें एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव नज़र आता है. ओके, और ये ग्रूव किस वजह से प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ से बेजिलर आर्टरी गुजर रही होती है. ठीक है, इस वजह से इसके दरमियान में हमें एक शैलो ग्रूव नज़र आता है. ओके, पॉन्स और सेरिबेलम को कलेक्टिवली हम मेटन सेफलॉन बोलते हैं. पॉन्स और सेरिबेलम को हम कलेक्टिवली मेटन सेफलॉन बोलते हैं. मैं लास्ट वीडियोज़ में आपको पहले बता चुकी हूँ, कैविटी ऑफ द पॉन्स को हम कहते हैं अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. ओके, ये लोकेटेड कहाँ पे होती है, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द पॉन्स एंड सेरिबेलम. ये अगर पॉन्स शो किया हुआ है मैंने और ये सेरिबेलम शो किया हुआ है, तो इनके दरमियान में वो कैविटी प्रेजेंट होती है. ओके, इस तरह की डायमंड शेप कैविटी होती है बिटवीन पॉन्स एंड सेरिबेलम. इज सिचुएटेड बिटवीन द पॉन्स एंड सेरिबेलम एंड बिलो द थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल मैंने कहा था कि डायनसेफलम की कैविटी को कहते हैं. ओके, और वो प्रेजेंट होता है पॉन्स के ऊपर. तो इसका मतलब है कि ये जो है बिलो द थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल जो है, और इसकी डायमंड शेप्ड है, कंटिन्यूस बिलो द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं. इस कैविटी के बिल्कुल नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी आती है, जिसे हम किसका नाम देते हैं, सेंट्रल कैनाल. तो हम क्रेनियल नर्व्स को डिस्कस करेंगे पॉन्स के अंदर. जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर टोटल 10 क्रेनियल नर्व्स के पेयर हैं. ओके,
वैसे तो ब्रेन के अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, लेकिन अगर हम ब्रेन स्टेम की बात करें तो इसके अंदर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। उन 10 में से जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट्थ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है वो हमारे पोन्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनमें से जो फिफ्थ नर्व है उसे हम ट्राइजेमिनल नर्व का नाम देते हैं, और जो सिक्स्थ नर्व है उसे हम एब्डूसर नर्व बोलते हैं। सेवन्थ नर्व इज़ फेशियल नर्व एंड एट्थ नर्व इज़ वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व, ओके, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। अब हम इन सब नर्व्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिफ्थ नर्व है। तो इसके तीन सेंसरी न्यूक्लियाई होते हैं और एक मोटर न्यूक्लियाई होता है, ओके। तो तीन सेंसरी न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें से एक पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एक मेडुला के अंदर और एक मिड ब्रेन के अंदर। और जो मोटर न्यूक्लियाई है वो सिर्फ और सिर्फ पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये पूरी ब्रेन स्टेम के अंदर इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि न्यूक्लियाई जो है वो इसका बहुत बड़ा होता है। ट्राइजेमिनल नर्व का जो न्यूक्लियाई है वो बहुत ही बड़ा होता है, वो पूरी ब्रेन स्टेम के अंदर एक्सटेंड किया होता है, लेकिन उसके जो फाइबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पोन्स से निकलते हैं, ठीक है। दीज नर्व फाइबर्स कम आउट फ्रॉम द पोन्स एंड प्रोवाइड सेंसरी एंड मोटर इनोवेशन एज वेल एज पैरासिम्थेटिक इनोवेशन फॉर ग्लैंड्स। और अब अगर हम सिक्स्थ नर्व की बात करें, सेवन्थ और एट्थ नर्व की, तो ये तीनों के तीनों नर्व जो है ना वो मेडुला और पोन्स के जंक्शन से निकलती हैं। एट द जंक्शन ऑफ द मेडुला एंड द पोन्स दैट इज कॉल्ड द इन्फीरियर पोन्टाइन सल्कस। उस जंक्शन को हम इन्फीरियर पोन्टाइन सल्कस बोलते हैं। उस रीजन से ये सिक्स सेवन्थ और एट्थ क्रेनियल नर्व्स के पेयर अराइज होते हैं। एब्डूसेंट नर्व जो है वो मीडियली निकलती है इस जंक्शन से, और जो फेशियल नर्व है वो थोड़ा लेटरली होती है, मतलब कि इसके नेक्स्ट सिर्फ फेशियल नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। फेशियल नर्व के नेक्स्ट यानी कि मोस्ट लेटरली जो नर्व प्रेजेंट है वो है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, ओके। अगर हम बात करें इन नर्व्स के फंक्शन की, तो जो एब्डूसेंट नर्व है दैट प्रोवाइड्स द एबडक्शन ऑफ द आई, ओके, एंड द फेशियल नर्व प्रोवाइड्स द मोटर इनोवेशन फॉर द फेशियल मसल्स, हेल्प्स विद द फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? फेशियल नर्व, ओके, एंड द वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व फॉर द हेयरिंग एंड बैलेंस, ओके, एंड द एट्थ नर्व क्या करती है? हमारी हेयरिंग एंड बैलेंस को कंट्रोल करती है। ऑल दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पोन्स। अब अगर इन सारे नर्व्स को अगर हमने देखना है ना, तो हम पोन्स का एंटीरियर पार्ट देखेंगे। पोन्स के एंटीरियर रीजन से ये सारे के सारे नर्व्स के पेयर्स अराइज हो रहे हैं, तो हम इन्हें डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये मैं पोन्स की आपको एंटीरियर साइड दिखाऊं, तो ये ग्रूव प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको बताया है बेजिलर आर्टरी के लिए ग्रूव प्रेजेंट होता है पोन्स के मिड में। मैं आपको यहाँ पे नर्व्स दिखाती हूँ इसकी एंटीरियर साइड पे पोन्स की, ओके। सो दिस इज़ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि मैंने कहा था कि पोन्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ओके। दिस इज़ द मोटर रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये जो मैंने छोटा सा दिखाया है ये मोटर रूट है, और ये साथ जो बड़ा है ये सेंसरी रूट है, सेंसरी रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और ये मोटर रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ओके। ये तो प्रेजेंट है पोन्स की सरफेस के ऊपर। अब इन्फीरियर पोन्टाइन सल्कस के ऊपर ये बाकी नर्व्स प्रेजेंट है, सिक्स सेवन्थ और एट्थ नर्व। ये देखें सिक्स नर्व, ये एब्डूसेंट नर्व दैट इज़ द सिक्स नर्व, ये प्रेजेंट है मीडियली, ठीक है। अब इसकी लेटरल साइड पे बिल्कुल प्रेजेंट है हमारे पास फेशियल नर्व। ये देखें ये फेशियल नर्व शो की हुई है, और इसके मोर लेटरली जो प्रेजेंट है, मतलब कि सबसे जो लेटरल साइड पे जो नर्व प्रेजेंट है वो है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, ये शो की हुई है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, दैट इज़ द एट्थ नर्व। और ये सारी की सारी नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट है? पोन्स की एंटीरियर साइड पे, ठीक है। ये सारी नर्व्स पोन्स की एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। हमने एंटीरियर व्यू डिस्कस कर लिया पोन्स का, नाउ विल डिस्कस द पोस्टीरियर व्यू ऑफ पोन्स। अगर हम पोन्स को पोस्टीरियर साइड से देखें तो हमें सेरिबेलम नज़र आता है। सेरिबेलम कवर्स द पोस्टीरियर एरिया ऑफ द पोन्स। तो अगर हम देखना चाहते हैं पोन्स को पोस्टीरियर साइड से, तो हमें सेरिबेलम रिमूव करना पड़ेगा, ओके। और ये सेरिबेलम जो होता है वो पोन्स के साथ मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू कनेक्ट होता है। और अगर उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे देखें ना, तो एक सेंट्रल लाइन हमें नज़र आती है। उस सेंट्रल लाइन को हम मीडियन सल्कस का नाम देते हैं, ठीक है। लॉन्ग विद द एरिया इज़ प्रेजेंट दैट इज़ कॉल्ड द मीडियल एमिनेंस। अब इसी मीडियल सल्कस के अराउंड अगर हम एरिया देखें ना, तो वो मीडियन एमिनेंस कहलाता है, ओके।
सो दैट वॉज द ऑल स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बोन्स. क्या क्या नज़र आता है हमें? सेरिबेलम नज़र आता है उसके पोस्टीरियर साइड पे, और हमें मीडियन सल्कस नज़र आता है, मीडियन एमिनेंस नज़र आता है. ओके, और अगर हम सेरिबेलम रिमूव कर देना तो हमें फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर नज़र आता है. अगर हम पोन्स की पोस्टीरियर साइड से सेरिबेलम रिमूव कर दें तो हमें फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर नज़र आता है. ओके, अब हम इन्हें डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ये है पोस्टीरियर व्यू पोन्स का. ओके, इसके पोस्टीरियर व्यू में हम देख सकते हैं कि ये हमें सल्कस नज़र आ रहा है जिसे हमने मीडियन सल्कस का नाम दिया था, और इसके सराउंडिंग में एरिया प्रेजेंट है जिसे हमने मीडियल एमिनेंस का नाम दिया था. ओके, और इसके पोस्टीरियर व्यू में हम मीडियल सेरिबेलर पेडंकल देख सकते हैं जिसके थ्रू सेरिबेलम जो था वो पोन्स के साथ कनेक्टेड था. ओके, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है पोस्टीरियर साइड पे पोन्स की. इस पे एक पॉइंट ये कि हमारे पोन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि वर्क करता है इन क्लोज एसोसिएशन विद द रेस्पिरेटरी सेंटर. और रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेडुला के अंदर. ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द पोन्स.